बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी कोई एक्ट्रेस को सेंटर में रख के मूवी बनाई जाती है तो काफी ज्यादा जो है बवाल बन जाता है। तो ऐसे एक मूवी मिमी जो कि 30 जुलाई को रिलीज होनी थी पर जो है पायरेसी के चलते हुए कल ही रिलीज हुई, हमने भी देखी और आज मैं रिव्यू करूंगी। पर उससे पहले ये बोलूंगी जरूर कि जब सेंट्रल पॉइंट में कोई फीमेल बेस्ड मूवी हम स्टोरी देखते हैं तो काफी बवाल क्यों बन जाता है। एक तो हमारे जब मैंने कल देखी मिमी तो साथ में मैंने काफी सोशल मीडिया पे है जो कमेंट भी देखे मिमी को लेके, काफी लोगों ने जो कमेंट है काफी गलत किए गए हैं कि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता, हमारे कल्चर में वैसा नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। और अब बोलें तो क्या बोलें, अब कई लोग हैं जो दूसरा हाथ है वो देखना ही नहीं चाहते। तो ऐसी मूवीज जब आती हैं तो लोगों के दिलों में आग ऐसे लग जाती है जैसे उनके दिल में है जो कोई गोली मार के चला गया हो। तो शुरुआत करती हूँ रिव्यू की और बताती हूँ मिमी है कैसी। तो वेलकम करती हूँ सबसे पहले आप सबका अपने चैनल बॉलीवुड तड़का पे, जहाँ लेके आती हूँ रिव्यूज और अपडेट देती हूँ मूवीज के बारे में, बॉलीवुड के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि ट्रेलर में आपको आधी स्टोरी पता ही चल गई होगी और आधी जो नहीं देखी आपने वो मैं आपको जो हूँ डिटेल में नहीं जाऊंगी, थोड़ा बहुत है जो मैं बताऊंगी मूवी कैसी है। तो जैसे आपने ट्रेलर देखा है मिमी जो कि जिसमें हमें प्रीति सैनन और पंकज त्रिपाठी दिखाई देते हैं, एक अमेरिकन कपल है जो कि बच्चा जिनका नहीं हो पा रहा और इसके चलते हैं जो सैरोगेट मदर की तलाश में है। तो इसके चलते हैं कृति जो मान जाती है सैरोगेट मदर के लिए जो कि अपना जो है हीरोइन का सपना पूरा करना चाहती है। और इसके चलते हैं आगे देखते हैं कि कैसे जो कपल है एकदम से ये कह देता है कि उनको ये बच्चा नहीं चाहिए। जब ये कपल जो है बच्चा लेने से या फिर कहता है कि बच्चे को गिरा दो, उसके बाद है जो कृति के जीवन में यानी कि मिमी के जीवन में काफी कुछ जो है हलचल हो जाती है। वो क्या कुछ जो है हो जाता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा जब हो जाता है तो उसके बाद जो कपल को पता चलता है तो वापस आता है। तो ये सब कुछ देखने वाली बात होगी, क्या कुछ है उसके जीवन में है जो चेंजेस आते हैं। और इसके चलते हैं जो हमें काफी कुछ है जो कॉमेडी भी देखना को मिलता है और साथ साथ में इमोशनल भी। तो मैं अगर बात कहूँ तो स्टार्टिंग से ही पहले सीन से ही आपको पंकज त्रिपाठी हैं जो हंसाते हुए नजर आएंगे। कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी की जो केमिस्ट्री है आपस में बहुत अच्छी लगती है स्क्रीन पे। आप कहें तो पहले सीन से ही दोनों ने इतना हंसाया है कि आप कहोगे वो बात कि पेट पकड़ पकड़ के आप हंसे हो। तो फर्स्ट हाफ है जो जब स्टार्ट होता है आपको फिल्म जो है हंसाती है, सेकंड हाफ जब आता है तब आपको फिल्म हंसाती भी है और साथ में इमोशनल भी कर जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ कृति सैनन की एक्टिंग की तो फर्स्ट हाफ में जो है कृति सैनन की एक्टिंग थोड़ी हमें कहूँ तो एक दो ऊपर नीचे लगेगी, पर सेकंड हाफ में तो कृति सैनन ने कमाल कर दिया। वहीं पे है जब पंकज त्रिपाठी सर जो कि मैं कहूंगी हम कब से देखते आ रहे हैं, जब जितनी बार भी देखे उनको स्क्रीन पे दिल जीत ले जाते हैं। तो ऐसा ही जो है इस मूवी में भी उन्होंने किया है, फर्स्ट सीन से लेके और एंड तक आपको जो है आपको पंकज त्रिपाठी सर जो है हंसाएंगे भी और रुलाएंगे। और अगर साथ में बात करूं तो मूवी में जो कि आपको कहानी देखने को मिलती है वह आप कहोगे कि ऐसे टॉपिक्स जो है आपने पहले भी देखे हैं, पर इस मूवी में अगर बात करें तो हर बात अगर
इस मूवी में मुझे अच्छी लगी, एडिटिंग, डायलॉग्स और म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक जॉनसन ने दिया है, डायरेक्ट किया है, म्यूजिक गाने हैं जो मूवी के बहुत अच्छे हैं, सब के सब गाने एक से बढ़कर एक आपको जो सुनने को मिलेंगे। श्रेया घोषाल की आवाज है, मैं चांद जो है हम कहें तो वो क्या कहावत होती है मैं भूल गई, पर वो चांद जो है इस मूवी पे लग गया है। और कहें तो इस साल की जो बेस्ट मूवी है जो मिमी है वो मिमी ही है, क्योंकि आपको हंसाते हंसाते जो रुला दे वो बेस्ट होता है, तो दी बेस्ट आपको मिमी लगेगी। तो साथ में अगर बात करें तो मनोज पहवा और सुप्रिया पाठक जी दोनों की एक्टिंग भी बहुत ही कमाल की लगी। दोनों के जो एक सीन आता है क्लाइमैक्स में आपको वो जो है सीन वो रुला देगा। और वही बात मैं कृति सेनन के लिए भी कहूंगी कि कृति सेनन ने इमोशनल जो सीन है, इमोशनल वाला पार्ट है, बहुत अच्छे से किया है। उनका जो हम इमोशनल पार्ट देखेंगे मूवी में, आपको क्लाइमेक्स जब आप देखोगे तो मैं ये श्योर आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप मूवी को देखोगे और हंसते हंसते वो आंसू आपके आंखों में आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्लाइमेक्स जब 2 घंटे और 12 मिनट के बाद जब आप मूवी देख के हटोगे तो आपको पता चलेगा आप सच में जो है मूवी को देख के पहले हंसे फिर जो है क्लाइमेक्स को देख के है जो रोने भी लगे। तो ये मूवी है जो आपको जो है आप अटैच करेगी दिल से, जो एक बात होती है ना कि हाँ कुछ हमने देखा है ऐसा, तो वो बात है जो मिमी में है। और साथ में अगर बात करें मूवी में जो कृति सेनन की एक फ्रेंड बनी है वो है साई, तो उनकी एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी मुझे लगी। और बात करें अगर इस मूवी में मुझे नेगेटिव कुछ नहीं लगा, क्योंकि डायलॉग्स की बात की जाए या फिर सिनेमाटोग्राफी की, स्क्रीन प्ले की अगर बात की जाए, सब कुछ जो है मुझे जो है नंबर वन लगा। और मैं इसको रेटिंग अगर दूं तो 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है मैं कुछ माइनस पॉइंट निकाल ही नहीं सकती, और अगर कोई निकालेगा तो भाई मुझे जरूर बताना। आपको अगर इस मूवी में कुछ गलत लगा है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया तो मुझे जरूर बताना कि कुछ अगर आपको गलत लगा है। बाकी अगर आपने देखी है तो मुझे जरूर बताना आपको कैसी लगी ये मूवी। ऐसे ही आगे भी लेके आती रहूंगी रिव्यूज और अपडेट आपको देती रहूंगी बॉलीवुड के बारे में। बाकी कल्चर हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, ये सब में जाना नहीं चाहिए। ज्यादा जो बेहतर, ज्यादा जो मायने रखता है वो इंसान की अपनी जिंदगी होता है। और जिंदगी के अलावा हम बात करें तो कल्चर तो भाई जो मन को भा गया वही कल्चर होती है। ऐसे ही लेके आती रहूंगी और आपसे मिलते रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद है जो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलती हूँ, टेक केयर, फिर आऊंगी रिव्यू लेके। बाय।